हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसन मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 8 जुलाई 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगा, चाहे वह UPSC हो या रेलवे, बैंक, SSC या कोई अदर एग्ज़ाम्स। इसे हिंदू सहित अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया। इसके PDF और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत कल के क्वेश्चन से करते हैं जो मैंने आपसे किया था। किस राज्य सरकार ने सभी राजकीय कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के लिए वार्षिक मेडिकल परीक्षण में डोप टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है? आंसर है पंजाब। यहाँ पर ड्रग की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है, ड्रग की लत में युवा बेहाल हैं, ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है। आप में से 99% लोगों ने सही आंसर दिए हैं, आपको बधाई हो। अब आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा, नीट, JEE मेन, UGC नेट, CMAT और GMAT परीक्षाओं का आयोजन का काम CBSE से लेकर सरकार ने किस एजेंसी को सौंप दिया है? आंसर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 7 जुलाई को इसका ऐलान किया है। एक और नई बात है कि JEE मेंस और नीट की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। अब एग्जामिनेशंस जो भी होंगे वो कंप्यूटर आधारित होंगे। जावड़ेकर का कहना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं लीक प्रूफ, ज़्यादा पारदर्शी और छात्र हितैषी होंगे। और जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, ऐसे ग्रामीण, खासतौर पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 4-5 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यहाँ एक और बात ध्यान रखिए कि कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन का मतलब नहीं है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है। इस परीक्षा में केवल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स की जगह किसने ले ली है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है फेसबुक के कोफाउंडर मार्क जुकरबर्ग। देखिए, महज 34 साल के जुकरबर्ग हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि कैसे तकनीक के सहारे दुनिया में पूंजी हासिल की जा सकती है। दुनिया के अमीरों की सूची में अब जुकरबर्ग सिर्फ अमेजॉन के कोफाउंडर जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स के ही पीछे रह गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 6 जुलाई को फेसबुक के शेयर में 2.4% के इजाफे के चलते जुकरबर्ग की संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, ठीक है। तो जुकरबर्ग की संपत्ति का आंकड़ा फिलहाल $81.6 अरब के पार पहुँच गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलों में सट्टेबाजी को वैध करने की सिफारिश किस आयोग ने केंद्र सरकार से की है? आंसर है विधि आयोग यानी लॉ कमीशन। देखिए, लॉ कमीशन ने 5 जुलाई 2018 को अपनी रिपोर्ट कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सट्टेबाजी और जुए जैसी गतिविधि को पूरी तरह खत्म या रोका नहीं जा सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित रूप से चलाना एक बेहतर विकल्प होगा। आयोग ने सट्टेबाजी या जुए में शामिल किसी व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड से भी लिंक करने और काले धन का इस्तेमाल रोकने के लिए नकदी रहित लेन देन की भी सिफारिश की है। आयोग ने रेगुलेटरी गतिविधि के तौर पर मान्यता देने की सिफारिश की है। तो आयोग ने इस मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI को भी इस्तेमाल करने की राय दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान सट्टेबाजी को कानूनी रूप देने की संभावना पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, तो इसी पर ये सुझाव आया है। अगला क्वेश्चन है, 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वालों में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद तीसरे नंबर पर किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया है? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए T20 मैच के मैदान में उतरते ही धोनी इस लिस्ट में शामिल हो गए। धोनी तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 500 या उससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच सचिन तेंदुलकर ने 664 और राहुल द्रविड़ ने 509 खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 के नेवी वार रूम लीक मामले में किस रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को अदालत ने दोषी पाया है? आंसर है रिटायर्ड कैप्टन सलम सिंह राठौर। देखिए, 7 जुलाई को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में CBI के विशेष जज ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि दूसरे आरोपी रिटायर्ड कमांडर जनरल सिंह कालडा को बरी कर दिया गया है। तो क्या था नेवी वार रूम लीक मामला, एक नज़र इसको देख लेते हैं। नेवी वार रूम लीक मामला 2005 में गोपनीय जाँच के बाद सामने आया था। नेवी से संबंधित कई सारे दस्तावेज
और भविष्य की योजनाएं हथियार सप्लायर को लीक कर दी गई थी। जांच का काम 2006 में सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने जांच के बाद हथियार विक्रेताओं सहित नेवी से जुड़े कई बड़े अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो सीबीआई ने आरोप पत्र में यह दावा किया था कि सलम सिंह ने 17 ऐसे गोपनीय दस्तावेज बरामद किए थे जो नेवी से संबंधित थे। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत सहित नेवी की अन्य योजनाओं से संबंधित दस्तावेज थे, बेहद सेंसिटिव। तो नेवी वार रूम लीक केस में करीब 7,000 गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए थे। इस केस से संबंधित कई आरोपी हैं जिन पर अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई से कितने माइक्रोन से पतली प्लास्टिक पर रोक लगाने का फैसला किया है? आंसर है 50 माइक्रोन। देखिए, यूपी में पहले से 20 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है और इसके लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 2000 है। हालांकि ये प्रभावी नहीं है, प्रभावी कहने का मतलब कि इसे लागू नहीं किया जा रहा है कड़ाई से। तो अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्य सरकार का कहना है कि 15 जुलाई के बाद बेहद सख्त कदम उठाया जाएगा और उसने ये फैसला पर्यावरण को बचाने और प्रदेश में अंधाधुंध प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया है। तो 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास, पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। बैन के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र में भी प्लास्टिक बैन किया गया था। तो यूपी सहित अब तक कुल 19 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्लास्टिक बैन किया जा चुका है देश भर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए 2011 की जनगणना के भाषा संबंधित आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है हिंदी। देखिए, जुलाई के पहले सप्ताह में ये रिपोर्ट जारी की गई है, मतलब अभी हाल ही में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच में यानी 10 सालों में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में करीब 10 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 10 करोड़ ज़्यादा लोग हिंदी बोलने लगे हैं इन 10 सालों में। तो हिंदी की जो ये वृद्धि दर है वो 25.19% रही। ये इम्पॉर्टेंट है और इस संबंध में क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के आंकड़े के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा करीब 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद 9.7 करोड़ लोग बंगाली, 2,60,000 लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताया है और 10 साल में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 14.67% बढ़ी है। देखिए, अंग्रेजी को मातृभाषा बताने वाले सबसे ज़्यादा लोगों में महाराष्ट्र के लोग हैं और संस्कृत की हालत बहुत ख़राब है। देश में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। भारत की इस सबसे पुरानी भाषा को केवल 24,821 लोगों ने अपनी मातृभाषा बताया। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी भाषा से भी कम है। तो एक नज़र देख लेते हैं शेष 5 भाषाओं पर। तो हिंदी जो है वो 43.63% लोग बोलते हैं, उनकी मातृभाषा है, उन लोगों ने बताया कि ये उनकी मातृभाषा है। बांग्ला 8.3% लोगों की मातृभाषा है, मराठी 7.09% लोगों की मातृभाषा है, तेलुगु 6.93% लोगों की मातृभाषा है और गुजराती 4.74% लोगों की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे के किस डिवीजन ने 4.5 घंटे में 6 सबवे बनाकर इतिहास रच दिया है? आंसर है इनमें से संबलपुर डिवीजन। ये काम पूर्वी तटीय रेलवे यानी ECR ने 5 जुलाई 2018 को 4.5 घंटे की सीमित अवधि में कर दिया है। तो इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है वो संबलपुर डिवीजन में सभी मानव रहित रेल क्रॉसिंग फाटक को ख़त्म करना था। तो ये संबलपुर जो है वो उड़ीसा का एक जिला है और रेलवे के एक डिवीजन का हेडक्वार्टर संबलपुर में है। तो संबलपुर डिवीजन अब भारतीय रेल का पहला डिवीजन बन गया है जिसने सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग फाटक को ख़त्म कर दिया यानी समाप्त कर दिया।
अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदान में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में किस तरह के मतदाता पहचान पत्र जारी करने का फैसला लिया है? आंसर है ब्रेल लिपि वाले मतदाता पहचान पत्र। तो चुनाव आयोग ने ये फैसला 4 जुलाई को लिया है और अब पब्लिक डोमेन में आया है। आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने और विशिष्ट मतदाता केंद्र शुरू करने के लिए भी फैसले लिए हैं। अगला करंट अफेयर्स है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार करने के लिए विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ने दिल्ली में देश भर की मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ बैठक की है। इसमें अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने विधि आयोग से कहा है कि वे लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। विरोधी पार्टियों ने इसके साथ कहा है कि यह संविधान के विरुद्ध है और क्षेत्रीय हितों को कमजोर कर देगा, राज्यों के हितों को कमजोर कर देगा। हालांकि भाजपा सहित कुछ सहयोगी पार्टियों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया है। दरअसल विरोध करने वाली पार्टियों का कहना है कि अगर ऐसा हो कि केंद्र सरकार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिर जाती है या किसी पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में सरकार नहीं बन पाती है तो क्या सभी राज्य सरकारों की अवधि समाप्त कर दी जाएगी? ऐसे में तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वैसे इस मुद्दे पर बहुत सारे सुझाव आने बाकी है और इस पर अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। तो ये था 8 जुलाई का करंट अफेयर्स। अब मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी ACC ने किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के नए चेयरमैन बनाने की अनुमति दी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर कहूँगा कि गूगल कर सकते हैं, इससे आपका जो जनरल नॉलेज है करेंट अफेयर्स है वो बेहतर होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। साथ में एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप इसका डिटेल नोट्स चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं तो ऑटोमेटिक हर दिन मॉर्निंग को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा करंट अफेयर्स का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।